ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ධම්මපද ගාථා කථා නම්බර් 71 71 ये राजग्रह के वेणुवन की अही पेत की कहानी है। अही माने अभी तो सप बोलते हैं, सांप बोलते हैं, पुराने समय में नाग बोलते थे। नाग और सप दोनों अलग अलग होते हैं। नाग जो एक वंश है, एक लोगों के प्रकार हैं, गोत्र है लोगों का, यानी कि जिससे नागरिक, नगर, नागरन, नागलोई, नागालैंड, नागपुर, ये जितनी भी चीजें हैं, नाग राजा, नाग कन्या, ये सब उसी में आते हैं। नाग और नागिन का मतलब है, नाग का मतलब है पुरुष और नागिन का मतलब है उस वंश के, नाग वंश के जो महिला है उसको नागिन बोलते हैं। तो अही पेत, पेत का मतलब होता है कि जो व्यक्ति समुदाय से निकाला गया हो या समुदाय में ना रहता हो और जो जंगलों में भटकता रहता हो, जंगलों में जाता आता रहता हो, उसको पेत बोलते हैं। और अही माने सप हो गया या उस समय का नाग। तो नाग वंश का वो ऐसा व्यक्ति था जो जंगलों में घूमता रहता था, तो उसका जो मुख था वो मनुष्य जैसा था और उसका जो बाकी गोत्र या जो उसका वंश था वो नाग था, इसलिए उसको अही पेत करके बोला करते थे। तो पेत जो होते हैं वो बेसिकली थोड़े से दिमाग से मूड होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि जो इस तरह से घूमता रहता है व्यक्ति जंगलों में, वो कोई भी क्रियाकलाप कर सकता है, वो मनुष्य के सामाजिक क्रियाकलाप नहीं करता, इसलिए उनको पेत बोलते हैं पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में प्रेत। होते हुए मनुष्य ही के रूप में हो, मगर उनका जो दिमाग है वो जंगल जानवर जैसा हो जाता है। कभी वो किसी को मारते हैं, कभी काटते हैं, कहीं कुछ नुकसान कर दिया, कभी कहीं चढ़ गए, कहीं कूद गए, कहीं भाग गए, कुछ नहीं कह सकते कि किस पल वो क्या करने वाले हैं, और इसलिए समाज उनको स्वीकार नहीं करता और उनको छोड़ देता है और वो जंगल में अपना जीवन काटते रहते हैं। शिष्य लक्ष्मण के साथ में, जिसको पाली के अंदर लखन बोलते हैं, लखन के साथ में जो महामोगल्यान थे, महामोगल्यान अपने जो शिष्य थे लखन के साथ में, यानी लक्ष्मण के साथ में, लखन पाली में बोलते हैं, लक्ष्मण संस्कृत भाषा में, क्योंकि छह तो होता नहीं, लखन होता है खेत बोलते हैं पाली में और क्षेत्र बोलते हैं संस्कृत भाषा में, ऐसे लखन में आधा के और खे आता है तो उसको बोलते हैं पाली में लखन, और जो संस्कृत भाषा में आधे के और खे को छह बोलेंगे तो लक्ष्मण हो जाता है। तो चारिका पे निकले हुए थे तो उन्होंने उस पेत को देखा। लक्ष्मण ने पूछा कि ये क्या है, किस तरह का ये करैक्टर है, क्या है। तो जो महामोगल नयन थे वो थोड़े से मुस्कुराए और चारिका करने के बाद में वो भगवान बुद्ध के साधने में आए और उन्होंने कहा कि आज उन्होंने पेत को देखा, अही पेत को देखा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मैं बोधि लाभ प्राप्त कर रहा था निर्जना रिवर के किनारे, गंगा के किनारे, गया के अंदर, बोधि गया के अंदर, तो वहां भी मैंने जब मैं प्राप्त कर रहा था उस बीच में मैंने इसको देखा था, ये वहां भी हरकतें कर रहा था। तो वो कहते हैं कि इसने ऐसा क्या किया जो ये पेत की तरह इसका व्यवहार हो गया और करता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो एक भिक्कू थे पुराने समय में, यानी कि कुछ समय पहले रहे होंगे, उनकी कुटिया को आग भी इसने लगा दी थी। ये मेंटली रिटायर्ड है, यानी कि मनुष्य जो ये पेत है ये दिमागी रूप से उसी तरह का है जिस तरह से लोग जंगली जानवरों की तरह होते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ये गाथा वहां कही जो गाथा नंबर 71 है। नहि पापं कतं कम्मं सज्जु खीरंग वै मुच्चति दहंतं बाल मनवेति भस्मच्छनो वै पावको। नहि पापं कतं कम्मं, नहि पापं कतं कम्मं का मतलब है न माने नहीं, ही माने वास्तव में, पाप को, पापं का मतलब पाप को, कतं माने जो काम है, जो किया हुआ काम है, और कम्मं माने काम को। सज्जु खीर, खीरंग वै, सज्जु माने होता है तुरंत, खीरम माने होता है खीर, जो बोलते हैं वो दूध को बोलते हैं पाली में। हम जो खीर खाते हैं ये खीर बेसिकली यहाँ चावल डाल के हम बनाते हैं, पुरानी भाषा में खीर को ही दूध बोलते थे। और जो खीर सागर है, यानी जिसको समुद्र को बोलते थे, उसको क्षीर सागर बोलते थे, यानी जहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं वहाँ उसको क्षीर सागर संस्कृत भाषा में बोलते थे और पाली में उसको खीर सागर बोलते थे, यानी दूध का सागर। तो सज्जु खीरंग वै
मुच्चति, मुच्चति का मतलब है मुक्त होता है, यानी कि तुरंत जो दूध है वह मुक्त होता है। कैसे मुक्त होता है? दूध के गुण से मुक्त होता है, यानी कि दही में बदल जाता है। रखा रखा दूध क्या होता है, अगर आप दूध को रख के छोड़ देंगे और भूल जाए उसे कुछ समय के लिए, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, गर्मी पड़े तो गर्मी के हिसाब से, सर्दी पड़े तो सर्दी के हिसाब से, तो वो रखा रखा ही खराब हो जाता है, जम जाता है। तो यानी कि उसको दूध के गुण से मुक्त होने में तुरंत नहीं होता, टाइम लगता है। ऐसे ही वो कह रहे हैं, नहीं ही पापं कतं कम्मं, जो वास्तव में जो पाप किया हुआ है, वो जो पाप है उसको जमने में, उसका परिणाम आने में समय लग जाता है। देहंतं बाल मनवेति, देहंतं का मतलब है आग, आग को बाल मनवेति का मतलब है जो मूढ़ है, बाल माने मूढ़ और मनवेति माने पीछा करता है, यानी कि जो आग है वो मूर्ख का पीछा करती है। कैसे? भस्म छनो वे पावको, भस्मनच्छो, भस्मनच्छ का मतलब है छन्न माने जो होता है वो होता है ढका हुआ, और भस्म माने होता है राख। जैसे ढकी हुई राख में क्या होता है, पावको, एव का मतलब जैसे, वह का मतलब है यहां जैसे एव, तो जैसे ढकी हुई राख में पावको आग होती है, वैसे ही आग जो जलन है, जो जो काम पाप किया है वो पीछा करता है। इसका सीधा सा अर्थ ऐसा है कि जिस प्रकार दूध को तुरंत दही नहीं बनता और उसको समय लगता है दूध को दही बनने में, वैसे ही जो मूर्ख लोग हैं, जो उन्होंने पाप किए हैं, उन पाप का परिणाम आने में, रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लग जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी तुरंत भी मिल जाता है, कभी बहुत टाइम भी लगता है। ये ठीक इस प्रकार है जैसे जो राख में ऊपर से लगता है कि कुछ नहीं है, मगर नीचे आग सुलगती रहती है और वो जलाती रहती है, इसी प्रकार जो ये पाप कर्म है वो जलाते रहते हैं और वो कभी पीछा नहीं छोड़ते, जो मूर्ख लोग हैं उनका। ये इस प्रकार है गाथा नौ, कथा नंबर 71। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
शरणं गच्छामि तत्रापि संगं शरणं गच्छामि साधु 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 कामेश मिथ्यादार विर्मनि सिक्खापदं स्मादयामि कामेश मिथ्यादार विर्मनि सिक्खापदं स्मादयामि कामेश मिथ्यादार विर्मनि